हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नुसरत एंड वेलकम टू फीस्ट एंड आर्ट बाय नुसरत। अब रमज़ान क्योंकि आने वाला है और रमज़ान की तैयारियाँ ऑलमोस्ट हर जगह पर शुरू हो चुकी हैं, तो मैं भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी रिलेटेड टू रमज़ान रेसिपीज़ एंड ऑल। सो सबसे पहले तो मैं शुरुआत कर रही हूँ आज अपनी जो ये है वो सहरी की रेसिपी से, जो कि हम कीमा अक्सर सहरी में खाते हैं, कीमा पराठा पाव या रोटी के साथ में। तो एक बड़ा ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा कीमा बना है ये, इसे ज़रूर सहरी में बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कीमा बनता है ये। और साथ ही साथ में मैंने जो मेरी जो रमज़ान की और जो पहले की रेसिपीज़ थी उसकी कुछ फ़ोटोज़ शेयर की हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे वो सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं रमज़ान रेसिपीज़ के। तो सबसे पहले तो आप मुझे देखिए सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको मेरी वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिले। ये देखिए सबसे पहले तो अभी कीमा बनाने के लिए मैंने मटन का कीमा बनाने वाली हूँ, आप चाहें तो चिकन अगर प्रेफर करते हैं तो चिकन का कीमा बनाएं। उसके लिए मैं 1.5 अनियन को चॉप्ड कर रही हूँ, फाइनली चॉप्ड। अब एक पैन में ऑयल गरम कर लीजिए, मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल गरम की थी। अब इसमें ये जो फाइनली चॉप्ड अनियन है हम इसे सॉटे कर लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक के हम इसे पका लेंगे अनियन को ऑयल में। अब ये देखिए ये हमारी अनियन ऑलमोस्ट हो चुकी है ब्राउन। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसे भी हम सॉटे कर लेंगे, इसकी रॉ स्मेल ख़त्म होने तक के हम इसे पका लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन को। अब ये मसाला अच्छा सा भून चुका है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 चॉप्ड टोमेटोज। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये है 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें कीमा मसाला डालूँगी। ये स्पेशली मैंने कीमा मसाला बना के रख ली हूँ रमज़ान के लिए, क्योंकि जब भी बनाना हो कीमा तो फटाफट सिर्फ यही एक मसाला डाल के और मसाला बन जाए। इसका भी जो ऐसे तो मैंने वीडियो में भी देखिए इसका रेसिपी डाल दी हूँ, इसके इंग्रेडिएंट्स, और साथ ही साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल में लिख दूँगी। अब इसे मसालों के साथ में अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए ऑयल भी अब सेपरेट हो चुका है और मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से भून गए, टमाटर भी अच्छे से गल गया है बिल्कुल इसमें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा, 1/2 किलो के करीब मैंने ये कीमा ली हूँ और इसमें मैंने 1 कप मटर डाली हूँ, ग्रीन पीस। कीमे के मसाले के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स करके और थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे ढक के थोड़ी देर हम पका लेंगे कीमा गलने तक।
एक ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड कर ली हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें ये दो हरी मिर्च ये इस तरीके से स्लिट करके डाल रही हूँ। अब देखिए ये कीमा बिल्कुल अच्छी तरीके से भून गया है मसालों के साथ में और गल भी गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, सोए की भाजी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें मटर भी गल चुके हैं और अपने साथ में इसमें मैं पोटैटो ऐड कर रही हूँ। ये दो पोटैटोज़ मैंने ली हूँ, मैंने तो बॉयल पोटैटो इस तरीके से कट के डाल रही हूँ। आप चाहें तो बिना बॉयल किया हुआ पोटैटो भी कट करके डालें और पानी डाल के थोड़ी देर से पका लें पोटैटोज़ भी गलने तक के। मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गए, कीमा गल गया है, मटर भी गल गया है, बड़ी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। और हम फाइनली अब इसमें फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया डालेंगे और हमारा कीमा इसी तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो इसे ज़रूर बनाइए सहरी में और ज़रूर अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपके सजेशंस, आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक पहले से मेरी तरफ से। और मेरी जितनी भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करूँगी प्लीज़ देखते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर। इन्जॉय।